देखिए, ऐसी कोई मिसाल अभी तक सामने नहीं आई है जहां हम ये कहें कि गरीब लोगों को जिनके पास 5 मलरे, 7 मलरे, 10 मलरे या एक किनाल ज़मीन है जहां जिनको मकान गिराने के लिए सरकार ने कोई इकदाम उठाया। हम भी देख रहे हैं लेकिन ऐसा कोई हमें अभी तक साफ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, जहां तक बड़े लोगों की बात है, उनकी उनसे ज़मीन छीनी जा रही है जिन्होंने बहुत बड़े चंक का लैंड पे कब्ज़ा किया है, तो उसकी तो हम बात नहीं कहेंगे क्योंकि रोशनी का जिस तरीके से हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन है उसको वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं, और जिसका एलजी साहब ने भी पहले उन्होंने ज़बानी कहा और कल भी उन्होंने इसके बारे में कुछ बोला है, तो ये कहा है कि गरीब इंसान को छेड़ा नहीं जाएगा। जो 30 साल, 40 साल, 50 साल से जो लोग जिन्होंने घर बनाए हैं, जो घरों में रह रहे हैं, चाहे वो स्टेट लैंड है, चाहे वो घास चराई है या किसी और किस्म की लैंड है जहाँ उसने अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए कोई छत बनाया है, और हम भी ये कह रहे हैं, डिमांड है कि उनके साथ न किया जाए, छेड़ा जाए। और आज तक हमें, मुझे नहीं लग रहा है, हम अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा की बात कहूँ, हमारे पास कोई ऐसी मिसाल नहीं है जहाँ किसी के मकान को छेड़ा गया। और ये वादा है सरकार का, ए एल जी साहब उस पर वादा बंद है, उम्मीद करते हैं कि इसको इन लेटर एंड स्प्रिट लागू किया जाएगा। जहाँ तक बड़े लोगों की बात है उसमें तो हम कहेंगे कि ठीक है, जिनके पास ज़्यादा लैंड है, जिनने बहुत बड़ी बड़ी जगहें कब्जे में ली है नाजायज़ तरीके से, अगर उनसे छीना जाएगा तो उससे आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इस वक्त गवर्नर शासन है, इसीलिए हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी यहाँ रिस्टोर हो, क्योंकि ऐसे डिसीजन चुनी हुई सरकार ही लेती है। उनको पता होता है कि हमारे लोगों के हित में क्या है, जायज़ और नाजायज़ में पहचान करना चाहते हैं। जब गवर्नर रूल हो उसमें कोई इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। गवर्नर साहब है जो उनके मशीर इस वक्त यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उनको उस तरीके से मशवरा दे रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ आइंदा ऐसे इकदाम उठाने से ये गुरेज करना चाहिए। ये ठीक नहीं है कि अभी आप वो डिसीजन दे रहे हो जो कि सरकार को कर करनी चाहिए। अभी टैक्सेस की बात भी चल रही है, मुझे नहीं लग रहा ये इनको इस वक्त इसमें करना चाहिए। जिस तरीके से गवर्नर शासन यहाँ अमन और अमान पे कंसंट्रेट कर रही है, डेवलपमेंट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये एक अच्छा एजेंडा है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी सरकार